कि आपकी जो उपस्थिति होती है प्रेजेंट लगती है कितने कितने मिनट लगती है, 5-5 मिनट पे लगती है। तो कोशिश कीजिए कि क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप क्लास छोड़कर नहीं जाया कीजिए। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। उसी प्रकार हम लोग ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था सीमा, परिमाप, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा था। क्षेत्रफल में क्या देखा था, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा था। तो सबसे पहले एक बार सारे बच्चे बताएंगे चार बॉक्स में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे चार बॉक्स में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। सारे बच्चों को पता है, अगर यहां तक सारे बच्चों को पता है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, सारे सारे बच्चे बताएंगे। मैंने सभी बच्चों को बोला था याद करने के लिए। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ये क्या होता है, ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जब इसकी भुजा की जो लंबाई है वो 12 मीटर है, जब इसकी भुजा की लंबाई कितनी है 12 मीटर है। तो सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, आप इस प्रश्न को सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इसका उत्तर कहां दीजिए, पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं। देखिए अभी मैंने बताया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। तो लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत ना, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी बना भी लिए हैं। जैसे कि जतिन शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है उन्होंने इस प्रश्न को बना लिया है, जैसे सेरोन नाम से जो बच्चा ज्वाइन है उन्होंने इस प्रश्न को बना लिया है, ललिता बुला नाम से जो बच्चा जो है उन्होंने इस प्रश्न को बना लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न को बना लिए। चलिए लास्ट 20 सेकेंड। उमेश नाम से जो बच्चा जो है उन्होंने इस प्रश्न को भी बना लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिए जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो जैसा कि सभी बच्चों को दिख रहा है यहाँ पे कि हमारे पास कितना मीटर वाला भुजा है, तो हमारे पास 12 मीटर वाली भुजा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ √3/4 गुने 12 का वर्ग।
और 12 का वर्ग का मतलब हुआ 12 गुने 12। 12 का वर्ग का मतलब क्या होगा, 12 गुने 12, तो देखते हैं क्या होगा, ये होगा रूट 3/4। 12 का वर्ग मतलब 12 गुने 12, तो इस प्रकार ये होगा 4 एकम 4, 4 3 12। हो जाए देखिए 12 3 36 √3 m², 36 √3 m². तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सर्वोच्च बताएंगे, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। सारे बच्चों को समझ में आ गया है, देखिए बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए तो यहां तक हम लोगों का था पिछले क्लास से संबंधित। अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क वाला नोटबुक निकाल लेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क वाला नोटबुक निकाल लेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो सारे बच्चों को पता है, कोई नहीं, मैंने जो अभी कराया, मैंने रिकॉल टेस्ट कराया, मैंने पिछले कक्षा से संबंधित ही प्रश्न कराया था। इस प्रकार का प्रश्न मैंने पिछली कक्षा में भी करा दिया था, ठीक है। तो जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, अभी आपका कुछ भी छूटा नहीं है, कोशिश कीजिए कि आप लोग क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, ठीक है। कोई नहीं, चलिए ध्यान देंगे। सारे बच्चे अपना होमवर्क वाला वर्कशीट वाली बुक ले लेंगे, सारे बच्चे अपना होमवर्क के वर्कशीट वाली बुक खोल लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला पर्सनल डिस्कस करते हैं, पर्सनवाली 2.1, ठीक है। तो सारे बच्चों को पता है किस प्रकार हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर किसी भी बच्चे को उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर टाइप करेंगे, डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है आपको, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते, ध्यान में देखिए, हमें पूछा गया है 12 m² को cm² में बदलने के लिए। तो सारे बच्चों को पता है कि अगर हमें मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना होता है तो किससे गुना करते हैं, बहुत ही सरल है, कैसे देखा था हम लोग ने, देखिए तो मीटर स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मीटर गुने मीटर। और हमें पता है 1 m में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 cm होता है, तो 100 × 100 तो ये हो जाएगा आपका 10,000 cm², यानी मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 m² जो है ये होगा 12 × 10,000 cm². तो ये हो गया आपके पास 12 × 10, तो ये हो जाएगा 12 × 4 0, तो ये हो जाएगा 120,000 cm². अगर यही प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करें। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करें। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे आसान प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको क्लास में कराया था। मैंने बोला था 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 m². इस प्रकार 20 हेक्टेयर में कितना होगा, तो मैंने कैसे याद कराया था आपको कि 1 रुपया में 10,000, तो 20 रुपया में कितना होगा, 20 × 10,000, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2 lakh m², क्या हो जाएगा 2 lakh m². तो जिन बच्चों को ये प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 4 में डाउट था उन बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग हेक्टेयर से मीटर स्क्वायर बदलते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। आगे सर बच्चों को समझ में, बहुत ही सरल प्रश्न था। इसी प्रकार प्रश्नवाली 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर वन, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट है, बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत बढ़िया, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना, आपको ध्यान देंगे। देखिए आपको बोला त्रिभुज पी क्यू आर, यू गया पी, यू गया क्यू, यू गया आर, और यहाँ पे आपको बोला है कि आर की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, है ना, और बोला है पी क्यू और पी आर क्या है बराबर है। तो हम क्या करते हैं इन दोनों को एक्स एक्स मान लेते हैं, मान लेते हैं कि दोनों भुजा बराबर है, यानी दोनों की लंबाई जो है एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर है। इस प्रकार अगर मैं बोलूं कि इसकी परिमाप निकालिए, तो इसकी परिमाप कैसे निकालेंगे, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या होगा एक्स प्लस 16। और हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसकी परिमाप कितनी दी हुई है 36 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर बराबर 2x प्लस 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ 36 माइनस 16, यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2x। इसका मतलब ये हो गया आपके पास 20 बराबर 2x, यानी x का मान होगा 20 बटा, ये गुना में है तो इधर आके भाग में, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 एकम 2, 2 दहिया 10, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। x का मान कितना आया 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी भुजा जो है एक्स मान कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। और हमें किसकी लंबाई निकालनी थी, हमें निकालनी थी पी क्यू की लंबाई, यानी पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारी है एक्स, एक्स किसके बराबर है, एक्स हो गया 10 सेंटीमीटर के बराबर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीन शॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करें, अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीन शॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में बोला था त्रिभुज की परिमाप कितनी दी है 36 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजाओं का योग कितना दिया है 36 सेंटीमीटर, ठीक है, उसमें से एक भुजा का मान दिया था 16 सेंटीमीटर, और दो भुजा जो बोला है कि दोनों भुजा क्या है बराबर है। तो मैंने क्या किया, दोनों जो बराबर वाली भुजा है उनको मैंने एक्स एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स एक्स मान लिया, जब एक्स एक्स माना तो ये जो है 2x प्लस 16 के बराबर आया। इस प्रकार मैंने एक्स का मान निकाला, एक्स का मान कितना गया 10 सेंटीमीटर, यानी जो 10 सेंटीमीटर एक्स का मान आया वही हमारी पी क्यू की लंबाई हो गई, है ना। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर बता दें, ध्यान देंगे। देखिए सर बच्चे क्वेश्चन नंबर फाइव में डाउट है, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव बताते हैं, ध्यान देंगे, चलिए फोर में भी डाउट है, चलिए एक एक करके बताते हैं, चलिए फोर बताते हैं पहले फिर क्वेश्चन नंबर फाइव बताएंगे, ध्यान देंगे। देखिए इसको मैं करता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे जो है स्क्रीन पे ध्यान देंगे, और कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इस सवाल को सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेंगे, सारे बच्चे इस प्रश्न को अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करेंगे, याद से सारे बच्चों को मैं नोट डाउन करने के लिए बोल रहा हूँ, सारे बच्चे इस प्रश्न को अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर फोर जो है इसको नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे सारे बच्चे, इसलिए ध्यान देंगे। देखिए हमें पूछा गया है कि एक त्रिभुज का परिमाप दिया है 144 मीटर और उसके भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5, तो सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, क्या कीजिए एक त्रिभुज बना लीजिए और इस त्रिभुज की जो भुजाएं दी हुई है वो दिया हुआ है 3:4:5, जब भी अगर आपको अनुपात दिया रहता है तो उससे अगर हमें संख्या में लानी होती है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कांस्टेंट किसी अचर राशि से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये है 3x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मान लीजिए हमारे 4x, और ये हमारी मान लीजिए कितनी होगी 5x। मैंने क्या किया,
अगर कभी भी अगर अनुपात में दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं उसको अगर संख्या में लाने के लिए हम लोग अचर राशि से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्या है हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारे पास तीन भुजाएं हो गई, एक हो गई 3x, दूसरी हो गई 4x और तीसरी हो गई 5x। फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखिए हमें यहाँ पे अपने भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5। तो मैंने क्या किया इसको एक को लिखा 3x, दूसरा को लिखा 4x और तीसरा को लिखा 5x। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स मोबाइल टाइप करेंगे, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स मोबाइल टाइप करेंगे। आगे सर बच्चे समझ में कि कभी भी अगर हमें अनुपात देगा तो उसे क्या करेंगे हम लोग नंबर में बदलने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट से किसी न किसी अचर राशि से गुणा कर देंगे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हमें बोला है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसका परिमाप दिया है कितना 144। चलिए इसका परिमाप निकाल लेते हैं, देखिए इधर निकाल लेते हैं, चलिए यहां पर कर लेते हैं इसका परिमाप, नीचे ही करते हैं यहां पर करते हैं। इसका परिमाप जो है क्या होगा, चले जोड़ते हैं। तो यहां से यहां तक क्या करते हैं, बच्चा रखेंगे उसको बोलेंगे यहां से यहां तक जाओ कितना मापेगा, ये मापेगा 3x। फिर जब ये यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 4x। उसी प्रकार जब ये यहां से यहां जाएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 5x। तो इस प्रकार परिमाप जो है वो है 144 मीटर, किसके बराबर है 4 3 7 + 5 कितना हो गया 12x। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर आएगा आपके पास, x बराबर आएगा 144/12, यानी 12 से कट गया, 12 बना 144, यानी x का मान आ गया 12 मीटर। x का मान कितना आ गया 12 मीटर। अब आती है बात कि हमें सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो पहला भुजा क्या था, पहला भुजा था 3x, थ्री कितने बराबर होगा, ये होगा 3 × 12 किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 36 मीटर के बराबर। उसी प्रकार दूसरी भुजा क्या है, दूसरी भुजा है 4x, ये हो जाएगा 4 × 12, x मान कितना है 12, ये हो जाएगा 48 मीटर। उसी प्रकार तीसरी भुजा क्या है 5x, यानी ये हो जाएगा 5 × 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 मीटर। इस प्रकार हमारी तीनों भुजाओं की माप कितनी है 36 मीटर, 48 मीटर और 60 मीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे। अगर समझ में सारे बच्चों को, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसको सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, इसको नोटबुक में भी बना लेनी है, नोटबुक में सारे बच्चों को इसको लिखनी है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5, इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5, किस बच्चे का डाउट, 5 में डाउट है किस बच्चे को। चलिए प्रश्न संख्या 5 का ए बी किसी को डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां तक हम, अच्छा ए में डाउट है, चलिए ए देख लेते हैं, ध्यान देंगे, चलिए ए देख लेते हैं। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए इस ए को मैं क्या करता हूँ, दूसरा पेज बनाता हूँ ताकि यहाँ पे पेज जो है थोड़ा कम हो जाना। देखिए यहाँ पे आपको बोल रखा है ऐसे, ये हो गया ए, बी, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, बी, यहाँ पे हो गया सी है ना, नहीं डी है, यहाँ पे है आपके पास डी और ये आपका सी, जहां पे ये आ रहा है आपका 90 डिग्री है, जिसकी लंबाई दी है 5 और यहां से यहां की लंबाई दी है 12 है ना, यही सवाल है। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न, और बोल देखे कि ये वाला जो है इसके बराबर है, तो हमें इसकी परिमाप निकालनी है, हमें किस क्या करनी है, इसकी परिमाप निकालनी है, हमें क्या करनी है, इसकी परिमाप निकालनी है। ध्यान देंगे, देखिए तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए अगर ये 5 है तो इस किस पे है, ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज है, एक ये है और एक ये है। हाँ किसी को बना लीजिए, चलिए मानते हैं कि इसको हम लोग ले रहे थे, पहला त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, ये त्रिभुज बी सी ए, ये मैंने त्रिभुज लिया और ये हो गया आपका 90 डिग्री और यहां से यहां तक हो गया 12 और ये हो गया 5। तो हमें पता है
कि 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, ये होता है कर्ण। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे लिए मान लीजिए लंब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए आधार, ये जगह हमारे लिए आधार। इसका मतलब हम क्या निकालना, हमें इसका मतलब कर्ण निकालना है। तो हमें पता है कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी यहां पे लंब जो दिया आपको 5 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया, आधार दिया 12 का वर्ग। तो इस प्रकार ये कितने बराबर होगा, इस प्रकार ये होगा 50 25 और बराबर है 144। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, ये आएगा 169। तो सारे सर बताएंगे कि रूट 169 किसके बराबर होता है, रूट 169 किसके बराबर होता है, तो 13 के बराबर होता है। इस प्रकार कर्ण की लंबाई कितनी आई, 13। यानी ये 90 डिग्री सामने वाला क्या है, ये कर्ण है, तो यानी इसकी लंबाई कितनी हुई, 13। अब सारे बच्चे बताएंगे कि अगर ये 13 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 13 हो जाएगा, ये भी कितना होगा, ये भी 13 हो जाएगा, और यहां से यहां तक 12 है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 12 होगा। चलिए अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई, कौन कौन सी भुजाएं देखिए, तो ये हो गई आपकी यहाँ पे ए बी डी। तो ये भुजा जो है 13, ये भुजा है 13। अब ये देखते हैं, देखिए यहां से यहां तक 12 और यहां से यहां तक 12, यानी कुल कितना हो जाएगा, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। इस प्रकार इस त्रिभुज की परिमाप कितनी हुई। जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी देंगे, चैट बॉक्स में देना है किस त्रिभुज की परिमाप कितनी हुई। दो भुजाओं की माप है 13 और तीसरी भुजा की माप है 24। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी लेंगे, इसकी परिमाप कितनी होगी, चलिए देख लेते हैं। 13 प्लस 13 प्लस 24 तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 50। कितनी होगी इस त्रिभुज की परिमाप, 50 सेंटीमीटर। देखिए जिसमें दिया हो, देखिए सेंटीमीटर में नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला है, हम लोग से बोलेंगे 50। कितना होगा, 50। तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, यहाँ तक, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस प्रकार इस त्रिभुज की परिमाप कितनी हुई, इस त्रिभुज की परिमाप हुई 50। ओके चलिए अब आती है आपका सेकेंड प्रश्न, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए हमें ये 90 डिग्री दिया है, अब हमें त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री सामने वाली होता है कर्ण और इसको मैं मान लेता हूं लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। तो हम लोग क्या करेंगे, आधार निकाल लेंगे और तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमें त्रिभुज की परिमाप निकल जाएगी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। क्या टाइप करना है आपको, चैट बॉक्स में टी टाइप करना है। क्या टाइप करना है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करना है। आए समझ में, तो देखिए हम लोग यहां तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था और यहां तक हम लोगों ने होमवर्क डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका समांतर चतुर्भुज और के परिमाप और उनका क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, समांतर चतुर्भुज के परिमाप और उनका क्षेत्रफल, पेरिमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए समांतर चतुर्भुज पढ़ने से पहले सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कहने का मतलब मान लीजिए ये है एक ये भुजा और एक भुजा मैं ये बनाता हूं, चलिए दूसरी भुजा मैं क्या करता हूं ये बना दिया और तीसरी भुजा ये होगी, चलिए ठीक है। तो ये आपका एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। मतलब कहने मतलब ये भुजा ग्रीन वाली भुजा, ग्रीन वाली भुजा के बराबर, काली वाली भुजा, काली वाली भुजा के बराबर। इसका मतलब अगर हम इसका नामकरण करें, जैसे ए बोल दे, इसको बी बोल दे, इसको सी बोल दे, इसको डी बोल दे, तो अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा क्या होगी, ए होगी।
उसी प्रकार अगर ये भुजा बी है तो ये भी भुजा कितनी होगी, बी होगी, है ना, ये भी भुजा कितनी होगी, बी होगी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बच्चों राइट करेंगे, सामने वाली मतलब सम्मुख भुजा जो होती है बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है वैसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं वैसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बच्चों राइट करेंगे। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालिए, इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालिए। कैसे निकालते हैं, चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान देंगे यहाँ पे सर बच्चे। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बच्चा को बिठाते हैं और इसको बोलते हैं कि आप क्या करो, इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ। ठीक है, ये क्या करेगा, यहां से यहां आएगा, कितना मापेगा, ये मापेगा बी। ठीक है, उसी प्रकार ये यहां से जब यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा ए। उसी प्रकार जब ये यहां से यहां आएगा ये कितना मापेगा, ये मापेगा बी। उसी प्रकार जब ये यहां से यहां आएगा ये कितना मापेगा, ये मापेगा ए, है ना। तो इस प्रकार इस समांतर चतुर्भुज की परिमाप कितनी हुई, 2a+2b, 2a+2b। यहां तक समझ में आ गया। इस प्रकार हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 into a+b, 2 into a+b, यानी समांतर चतुर्भुज की परिमाप कितनी हुई, 2 into a+b। अब आती है बात कि अगर हम लोग a को क्या मान लेते हैं, लंबाई, और b को हम लोग मान लेते हैं चौड़ाई। अगर हम लोग a को मान लेते हैं लंबाई और b को मान लेते हैं चौड़ाई, ये हो जाएगा 2 into लंबाई+चौड़ाई। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होता है वो होता है 2 into a+b, 2 into लंबाई+चौड़ाई। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इस प्रकार हमें पता चला कि समांतर चतुर्भुज की जो परिमाप होती है वो होती है 2 × लंबाई+चौड़ाई, 2 × लंबाई+चौड़ाई। तो चलिए इसको मैं आकृति के हिसाब से आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इस प्रकार ए भुजा के बराबर है तो इसकी परिमाप क्या होगी। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा बच्चा बैठाएंगे, उसको क्या करेंगे, इस आकृति के चारों तरफ दौड़ा देंगे, इस आकृति के चारों तरफ दौड़ा देंगे, जब ये चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो कितना मापेगा, इसने मापा 2 into a+b, यानी 2 × लंबाई+चौड़ाई। यानी समांतर चतुर्भुज की परिमाप क्या होती है, समांतर चतुर्भुज की परिमाप उसके चारों भुजाओं की कुल लंबाई होती है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस बार चार्ट बॉक्स में टी टाइप करेंगे ना कि वाई। क्या टाइप करना है, टी टाइप करना है सर बच्चों को। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या सीखते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत बच्चों को पता चल गया होगा क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए देख लेते हैं, मैं क्या करता हूं आपके लिए एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लेता हूं, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब जैसे कि सारे बच्चों को पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। यानी समांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी ये स्थान क्या कहलाएगा, ये स्थान समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी समांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान समांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अगर सारे बच्चों को ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है,
समांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, इसको समझने से पहले सारे के सारे बच्चे सबसे पहले समझेंगे कि शीर्ष लंब क्या होता है। इसको समझने से पहले सारे के सारे बच्चे क्या समझेंगे कि शीर्ष लंब क्या होता है। तो जिन बच्चों को पता है शीर्ष लंब क्या होता है, चार बॉक्स में व्हाइट करेंगे। जिन बच्चों को शीर्ष लंब पता है वो बच्चे चार बॉक्स में व्हाइट करेंगे। जिनको नहीं पता है चार बॉक्स में एन टाइप करेंगे। चलिए एक बार बताया, तो देखिए शीर्ष लंब क्या होता है, देखिए शीर्ष प्लस लंब, लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जिससे चलिए पहले मैं त्रिभुज में समझाता हूँ, क्योंकि सारे बच्चे त्रिभुज से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। देखिए ध्यान देंगे, देखिए मान लेते हैं कि क्या है, हमारी एक त्रिभुज है ए बी सी। तो सभी के सभी बच्चे सबसे पहले बताएंगे कि यहाँ पे शीर्ष कौन कौन सी है, सभी के सभी बच्चे सबसे पहले बताएंगे कि यहाँ पे शीर्ष कौन कौन सी है, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे शीर्ष कौन कौन सी है। तो सबसे पहले क्या है ए, फिर क्या है बी, फिर क्या है सी, कौन कौन सी शीर्ष है, ए बी सी, तीनों के तीनों क्या है शीर्ष है। अब आती है बात लंब, यानी अगर हम शीर्ष, देखिए ये शीर्ष है, अगर इससे हम लोग लंब डालते हैं तो ये मान लीजिए ए डी हो गया, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी शीर्ष लंब, यानी शीर्ष से लंब। अगर शीर्ष से हम लोग लंब डालते हैं सामने वाली भुजा पे तो हमारी क्या कहलाती है, शीर्ष लंब कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी, शीर्ष लंब कहलाती है। उसी प्रकार मान लीजिए अगर हम शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाले तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, ये भी हमारी कहलाएगी शीर्ष लंब। यानी बहुत ही सरल है, शीर्ष से लंब, शीर्ष से 90 डिग्री अगर खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। उसी प्रकार देखिए अगर हम लोग यहां से बी शीर्ष से, अगर इसी प्रकार हम बी शीर्ष से लंब खींचे तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, ये भी हमारी शीर्ष लंब कहलाएगी। अगर सारे बच्चों को शीर्ष लंब समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में व्हाइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को शीर्ष लंब समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में व्हाइट करेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, शीर्ष से लंब शीर्ष लंब कहलाती है। आगे समझ में, चलिए ये तो हो गया त्रिभुज के लिए, अब हम लोग किसके लिए सीखेंगे, चतुर्भुज के लिए। किसके लिए सीखेंगे, चतुर्भुज के लिए। चलिए चतुर्भुज में सबसे पहले सीख लेते हैं समांतर चतुर्भुज के लिए। ध्यान देंगे, देखिए योग्य ए, योग्य बी, योग्य सी, योग्य डी, है ना। चलिए यहाँ पे सारे बच्चे बताएंगे कि शीर्ष कौन सा है, यहाँ पे सारे बच्चे बताएंगे कि शीर्ष कौन कौन सा है, यहाँ पे सारे बच्चे बताएंगे कि शीर्ष कौन कौन सी है। जल्दी जल्दी बताएंगे सब बच्चे, ए बी सी डी, सारे सारे क्या है, सारे सारे हमारे शीर्ष है, यानी ए बी सी डी, यानी सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे कितना शीर्ष लंब हम लोग खींच सकते हैं। सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे कितनी हम लोग शीर्ष लंब खींच सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे हम लोग कितनी शीर्ष लंब खींच सकते हैं, चार, क्योंकि हमारे पास चार शीर्ष है तो हम लोग चार शीर्ष लंब खींच सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, जैसे इसको मान लीजिए ई, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी हो जाएगी शीर्ष लंब, क्या होगी शीर्ष लंब। यहां तक समझ जाएगा सारे बच्चों को। उसी प्रकार मान लीजिए ये सी है तो सी से सामने वाली भुजा पे तो ये हमारी क्या होगी, ये भी हमारी हो जाएगी शीर्ष लंब। तो इस प्रकार हमारे पास चार शीर्ष लंब होगी। जैसे कि हम लोग और क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहां से सामने वाली भुजा पे लंब डाले तो ये भी हमारी शीर्ष लंब, और यहां से हम लोग सामने वाली भुजा पे लंब डाले तो ये भी हमारी क्या होगी, दोनों के दोनों क्या होगी, दोनों के दोनों हमारी शीर्ष लंब होगी। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि समांतर चतुर्भुज में शीर्ष लंब कैसे देखते हैं तो चार बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि समांतर चतुर्भुज में शीर्ष लंब कैसे देखते हैं तो चार बॉक्स में राइट करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, जिन बच्चों को नहीं आया जल्दी से जल्दी एन टाइप करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में वो बच्चे एन टाइप करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान देंगे। देखिए शीर्ष से लंब, जहां पे शीर्ष होगा वहां से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री डालेंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा शीर्ष लंब कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है, अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि सर आधार हम लोग कैसे पता करेंगे।
देखिए यहाँ पे तो हमें ये समझ में आ गया, चलिए यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि ये डी से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिए, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, इसका मतलब ये हमारी शीर्ष लंब कहलाएगी, हमारी क्या कहलाएगी, शीर्ष लंब कहलाएगी। अब आती है बात कि सर इसका शीर्ष लंब तो हमें पता चल गया, अब हमें इसका आधार पता करना है कि आधार क्या होता है, क्यों पता करना है, क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का, क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुने शीर्ष लंब, क्या होता है, आधार गुने शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब तो हमें पता चल गया, लेकिन आधार कैसे पता करें, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है आधार पता करना। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए मैं क्या करते हैं, एक आकृति के जरिए आपको समझाता हूं, ध्यान देंगे। मान लेते हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, है ना। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ए से सामने वाली भुजा पे, इसको मैं मान लेता हूं ई, ए से सामने वाली भुजा पे मैंने क्या किया, शीर्ष लंब डाला, ए से सामने वाली भुजा पे मैंने क्या किया, शीर्ष लंब डाला। अब हमें यहां पे पता करना है कि यहाँ पे आधार कौन सी भुजा होगी, तो बहुत ही सरल है, शीर्ष से जिस भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, शीर्ष से जिस भुजा पे हम लोग लंब डालते हैं वही भुजा हमारी क्या होगी, वही भुजा हमारी आधार होती है। इसका मतलब किस भुजा पे हम लोग लंब डाल रहे हैं, किस भुजा पे हम लोग लंब डाल रहे हैं, तो हम लोग भुजा डाल रहे हैं डीसी भुजा पे हम लोग लंब डाल रहे हैं, यानी डीसी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, डीसी भुजा हमारी आधार हो जाएगी। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे, जिस भुजा पे हम लोग 90 डिग्री कोण बनाते हैं, जिस भुजा पे हम लोग लंब डालते हैं वही भुजा हमारी क्या हो जाती है, वही भुजा हमारी आधार हो जाती है। उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हम लोग सी से सामने वाली भुजा पे, सी से सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये एफ, अगर हम यहां बोल रहे हैं आपको कि सी एफ अगर हमारी लंब है शीर्ष लंब, तो इसके हिसाब से इसकी आधार कितनी होगी, सारे बताएंगे इसके हिसाब से इसकी आधार कौन सी होगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कौन सी होगी, ये वाली भुजा, क्योंकि इस भुजा पे ये लंब डाल रहे हैं, तो कौन सी भुजा इसकी आधार होगी, इसकी आधार हो जाएगी ए बी भुजा, इसकी आधार कौन सी हो जाएगी, ए बी भुजा। अगर सारे बच्चों को ये आधार पहचानना आ गया तो चार बुक्स वाइट करेंगे, अगर सारे बच्चों को ये आधार पहचानना आ गया है तो चार बुक्स वाइट करेंगे। चलिए इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जो पुराना हम लोग ने फिगर बनाया था यहाँ पे, चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको एफ कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ जी, इसको मैं कर लेता हूँ एच, एक एक करके देखते हैं सारे बच्चे बताएंगे ध्यान से। शीर्ष लंब अगर मैं बोलूं डी एच है तो इसके लिए आधार कौन सी होगी, अगर मैं शीर्ष लंब बोल रहा हूं ये डी एच है तो इसके लिए आधार कौन सी भुजा होगी, शीर्ष लंब अगर डी एच है तो आधार कौन सी भुजा होगी, तो इसके कौन सी भुजा पे लंबे डिग्री है, तो किस पे है, बीसी पे, तो बीसी हो जाएगी हमारी आधार। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि शीर्ष लंब बी जी है तो आधार कौन सी होगी, बी जी कौन सा है, देखिए ये आपका है बी जी, ये है आपका बी जी, तो आधार कौन सी होगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, तो आधार हो जाएगी हमारी ए डी भुजा, आधार कौन सी हो जाएगी, ए डी, आगे समझ में, यानी जिस भी भुजा पे हमारा लंब होता है वही भुजा हमारी आधार होती है, वही भुजा हमारी आधार होती है। तो बहुत ही सरल हो गया, बहुत ही सरल हो गया, यानी किसी भी समांतर चतुर्भुज की अगर हमें क्षेत्रफल निकालनी है तो शीर्ष लंब गुने आधार कर देंगे, शीर्ष लंब गुने आधार कर देंगे तो हमारी क्षेत्रफल निकल जाएगी, तो हमारी क्षेत्रफल निकल जाएगी। यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को, यहां तक समझ में आया सर बच्चों को, देखिए तो इसी बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हम लोग आधार मानना पड़ेगा, अगर हमें आधार पता करना पड़ेगा तो हम लोग आधार कैसे पता करते हैं, अगर हमें आधार पता करना होगा तो कैसे पता करेंगे, तो हमें पता है कि हम आधार के रूप में समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं, परंतु शीर्ष लंब उसी भुजा का होना चाहिए, यानी अगर किसी भी भुजा को अगर हम लोग ले रहे हैं आधार तो उसी पे हमारी क्या होनी चाहिए, शीर्ष लंब होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसको उल्टा समझते हैं, यानी जिस भुजा पे हम लोग अपने शीर्ष लंब डालेंगे वही भुजा हमारी
आधार कहलाती है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो 4 वर्ष पढ़िए, यानी जिस भुजा पर हम लोग अपना शीर्ष लंब डालेंगे वही भुजा हमारी आधार कहलाती है। आगे सारे बच्चों को समझ में, आगे सारे बच्चों को समझ में देखिए। चलिए अब दूसरा पॉइंट नोट डाउन करने का ये है, दूसरा पॉइंट नोट डाउन करने का ये है कि जो ये शीर्ष लंब होती है, जो ये शीर्ष लंब होती है, ये आमने सामने के दो भुजाओं के बीच की दूरी होती है। जैसे ए बी भुजा किसके बराबर होता है, डीसी भुजा के, कि आमने सामने के दो भुजाओं के बीच की दूरी होती है। ये बात सर्वत्र याद रखेंगे कि जो शीर्ष लंब होती है आमने सामने के दो भुजाओं के बीच की दूरी होती है। तो ये दोनों नोट पॉइंट सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे जल्दी से जल्दी। सर्वत्र इस दोनों पेज का, इस दोनों नोट का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। ले ले सर बच्चे ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस प्रकार हमें ये पता चला कि क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुने शीर्ष लंब। चलिए तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में AD कितना है 7 सेंटीमीटर, AB कितना है 9 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस बात को ध्यान में रखना है और इस प्रश्न को सॉल्व करना है। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे सारे बच्चे। और इसका उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपको परिमाप निकालनी है, सभी बच्चों की क्या करनी है, इसकी परिमाप निकालनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, लास्ट 50 सेकेंड, 40 सेकेंड। एक बात सारे बच्चों को ध्यान देना है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो इसकी परिमाप निकालनी है। 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिरोन जयपाल नाम से जो बच्चे बने, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है, बहुत बढ़िया। देखिए जिस प्रकार से सिरोन जयपाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, देखिए कितना अच्छे से उन्होंने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। इसी प्रकार से सारे बच्चों को इस प्रश्न को सॉल्व करना है। लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, उमेश शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। बहुत बढ़िया जतिन, बहुत बढ़िया। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया शाबाश। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए तो हमें पता है परिमाप क्या होती है, तो परिमाप होती है किसी भी आकृति के चारों भुजाओं की मापों के योग। जैसे समांतर चतुर्भुज है तो ये चार भुजाओं के मापों का योग। देखिए हमें पता है ये 9 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस प्रकार हमें इसका परिमाप निकालनी है तो क्या होगा, कैसे करते हैं हम ध्यान देंगे। यहाँ पे एक बच्चा रखेंगे, उसको बोलेंगे कि आप इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ। जब ये यहां से यहां जाएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 7 सेंटीमीटर। जब वो यहां से यहां जाएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 9 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जब वो यहां से यहां जाएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 7 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जब ये यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 9 सेंटीमीटर। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल कितना होगा, सर्वे बताएंगे 7 7 14 सेंटीमीटर, 9 9 18 सेंटीमीटर, तो कुल कितना होगा 32 सेंटीमीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार वस्तु वाइट पढ़िए। कुछ बच्चे इसको फॉर्मूला पर रख के बनाए, बहुत बढ़िया। आपको पता है समांतर चतुर्भुज की परिमाप की फॉर्मूला क्या होती है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर अगर हम इसको लंबाई मानते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी, यानी जगह 2 गुने 9 प्लस 7, ये जगह 2 गुने 9 7 16, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हैं। अब जिस प्रकार से बनाए हो इस प्रश्न का उत्तर सही है, ठीक है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई करें। बहुत बढ़िया जिन बच्चों का अच्छा है, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का सवाल सही था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए
तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए 32 सेंटीमीटर। तो चलिए आपके स्क्रीन पे और प्रश्न है, चलिए आपके स्क्रीन पे और प्रश्न है, और ये भी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे, ध्यान से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है, इसको आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान देंगे सर बच्चे। क्वेश्चन बोल रहा है यदि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है तो बाकी अन्य भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से सॉल्व कीजिए, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 50 सेकेंड, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से सॉल्व करेंगे, सरलता पूर्वक सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। 40 सेकेंड, थर्टी सेकेंड, ट्वेंटी सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, देखिए आप पी की भुजा, एक बात सभी बच्चों को याद होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस बात को सभी बच्चे ध्यान देंगे। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत चल ध्यान देते हैं। देखिए हमें बोल रखा है कि समांतर चतुर्भुज की परिमाप कितनी है 48 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर और हमें पता है कि आमने सामने भुजा कितनी होती है, बराबर होती है। इस प्रकार ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स मानता हूँ तो ये भी क्या होगा, ये भी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसका परिमाप निकाले तो परिमाप क्या होगा, एक्स प्लस आठ प्लस एक्स प्लस आठ, जो कि परिमाप कितने के बराबर दिया है, तो परिमाप तो 48 सेंटीमीटर के बराबर दिया है, तो 48 बराबर हो गया 2x+16, है ना। अब देखिए क्या होगा, 48 में से 16 जाएगा प्लस में, तो इधर माइनस होगा, बराबर 2x, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 × 2 = 32 बराबर हो गया 2x। तो यानी यहां से x का मान कितना है, सर्व बताएंगे, x का मान आएगा 16, x मान कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार यहां x का मान आ गया 16 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया आपके पास 16 सेंटीमीटर, यानी भुजा कौन कौन सी किसके बराबर हो जाएगी, तो ये होगी आपके पास एस आर जो होगी आपके पास 8 सेंटीमीटर और यहां पे होगी आपके पास क्यू आर जो है आपके पास होगी 16 सेंटीमीटर और एस पी जो होगी आपके पास होगी 16 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देख लीजिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान देंगे। तो ये भुजा होगी हमारी 16, ये भी भुजा होगी हमारी 16 सेंटीमीटर, ये हो गई 8, ये भी हो गई 8। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए सबसे पहले देखते हैं क्यू आर, क्यू आर कितना है, ध्यान देंगे क्यू आर तो हमारा है 16, तो इसमें 8 दिया, इसमें 8 दिया, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बच्चा ऑप्शन बी, अब बच्चा ऑप्शन डी। तो चलिए दोनों में क्यू आर 16 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन देखते हैं एस आर, एस आर कहां गया, एस आर जो है 8 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें तो 8 सेंटीमीटर नहीं दिया, इसमें कितना दिया है 16। इस प्रकार ये ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे सर बच्चे पहले क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। सारे सर बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, हमारा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों का सही होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों का सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है शीर्ष लंब गुने आधार, क्या होता है शीर्ष लंब गुने आधार। और इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों को सही होना चाहिए, आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है, इसको सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर
पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर जो होना चाहिए सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए इसमें एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बहुत बढ़िया जतिन, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को सही बनाए। ललिता बुला नाम से जो बच्चे मैंने, उसने भी इस प्रश्न को उत्तर सही किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गिनी घातक नाम से जो भी बच्चा जो है उसने भी इस प्रश्न को सॉल्व किया है। बहुत बढ़िया। उमेश शर्मा नाम से जो बच्चा जो है उसने भी इस प्रश्न को सही उत्तर किया है। चलिए, सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए, ठीक है। चलिए, लास्ट 20 सेकेंड। जिन जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कहाँ देना उत्तर? पोल सेक्शन में देना है। 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो जब ये 9 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा? 9 सेंटीमीटर। अब रही बात की कौन सा हमारा शीर्ष लंब होगा और कौन सा हमारा आधार होगा। तो देखिए, ये 20 से जा रहा है इसमें 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा शीर्ष लंब। और जिस पे 90 डिग्री होता है, जिस भुजा पे, वो क्या कहलाता है? वो हमारी कहलाता है आधार। इसका मतलब ये हो गया हमारी आधार, यानी क्षेत्रफल क्या होगा? शीर्ष लंब गुने आधार, 8 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर, तो 8 9 72 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल जो होता है हमेशा वर्ग इकाई में होता है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए टिक कर रहे थे, वो बच्चे समझ जाएंगे कि ऑप्शन ए क्यों गलत है, क्योंकि इनका पावर जो है वो वर्ग नहीं है, वो इकाई मात्रक है। लेकिन हमें पता है कि क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है? वर्ग इकाई में होती है। क्षेत्रफल हमेशा किसमें होती है? वर्ग इकाई में होती है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। ले ले सर बच्चे ने। चलिए, अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। मैं क्या करता हूँ, आपका चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ, ताकि जो बच्चे बार बार वाई वाई टाइप करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। चलिए, ध्यान देंगे, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न वाली 3.1। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार प्रश्न वाली 3.2। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार इस प्रश्न वाली का भी ले सकते हैं। जिन बच्चों के पास वर्कशीट वाली बुक है, वो बच्चे इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेकर दोनों होमवर्क एक ही साथ नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न वाले 3.1 जो कि पेज नंबर 111 में है, प्रश्न वाले 3.2 जो कि पेज नंबर 112 में है, इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना होमवर्क कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और मुझसे पूछ लेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है, वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।